कैंटर चोरी के मामले का वांछित उद्घोषित आरोपी काबू। झज्जर पुलिस की एक टीम द्वारा गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए कैंटर चोरी के मामले में वांछित एक उद्घोषित आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। पकड़ा गया वांछित भगोड़ा आरोपी पिछले करीब 4 साल से लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता हुआ फरार चल रहा था। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक सदर भादुरगढ़ निरीक्षक जसवीर सिंह ने बताया कि परवर पुलिस अधीक्षक झज्जर श्री बी सतीश बालन द्वारा अपराधियों की धरपकड़ व रोकथाम के लिए जारी किए गए अभियान के दौरान डीएसपी मुख्यालय झज्जर हंसराज के मार्गदर्शन में विशेष कार्य योजना बनाकर थाना सदर बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत थाना सदर बहादुरगढ़ के अंतर्गत पुलिस चौकी प्रभारी बादली उप निरीक्षक श्री भगवान व चौकी में तैनात मुख्य सिपाही देवीलाल की टीम द्वारा चोरी के मामले में वांछित एक उद्घोषित आरोपी को काबू किया गया। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि कुलदीप उर्फ काला पुत्र सुरते निवासी गांव मित्राऊ दिल्ली, जो कि थाना सदर बहादुरगढ़ में दर्ज कैंटर चोरी के मामले का उद्घोषित अपराधी है, वह किसी वाहन के इंतजार में बहादुरगढ़ रोड बादली नजदीक निर्माणाधीन केएमपी के पास खड़ा है। गुप्त सूचना पर तुरंत सक्रिय होते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम को एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जिसे शक की बिना कार्यवाही करते हुए काबू किया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम कुलदीप उर्फ काला निवासी मित्राऊ बतलाया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए उपरोक्त आरोपी के खिलाफ कैंटर चोरी करने के संबंध में मुकदमा नंबर 318 दिनांक 20/8/2002 धारा 379 आईपीसी अंकित पाया गया। उपरोक्त मुकदमा में पकड़े गए आरोपी को अदालत बहादुरगढ़ द्वारा 29 सितंबर 2014 को उद्घोषित आरोपी घोषित किया गया था। पकड़े गए वांछित उद्घोषित आरोपी के खिलाफ अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना सदर भादुरगढ़ में मुकदमा नंबर 222 दिनांक 9/4/2018 धारा 174 ए आईपीसी अंकित किया गया। पकड़े गए वांछित उद्घोषित आरोपी को अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।